सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर का उत्पादन करने के साथ ही इसे स्टोरेज करने की क्षमता भी विकसित करने जा रहा है। बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आज हुआ है और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वर्षों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से बढ़िया काम कर रहा है और मुझे लगता है हम वो वाहिद राज्य हैं जहां पर नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगे सोलर ऊर्जा एनर्जी का। और अभी तक सोलर पावर जो थी वो हम बनती थी और चलती रहती थी, स्टोरेज का कोई प्रावधान उसमें था नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। मुझे लगता है ये देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश में किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, उनके नेतृत्व में हम